ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਜੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ? ਮੁਝੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੇ ਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਮਹੀਨੇ। ਉਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 6.5 ਮਹੀਨਾ ਗ੍ਰੀਸ ਮੇ ਥਾ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਮੇ ਥੇ ਆਪ? ਥੋੜਾ ਟਰਕੀ ਮੇ ਔਰ ਕਤਰ ਮੇ ਥੋੜੇ ਜਾਗੇ ਪੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਯਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਰਹੂੰਗਾ। सही लगा आपको पुर्तगाल? अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या है, मैं जन्म लिया गोवा में। गोवा? अच्छा। तो मुझे सबसे पहला सिटीजनशिप जो मिली थी वो पुर्तगाल की थी, 1961 में। ठीक है जी। फिर मैं इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट लिया। फिर अभी जब मैं पुर्तगाल गवर्नमेंट से पूछा तो मुझे जल्दी फिर से मुझे पुर्तगीज सिटीजनशिप मिली है। और मैं सोचता हूँ यहाँ से पूरा यूरोप में मेरा काम फैलाऊंगा। आप जो होगा, आपने शिक्षा कहाँ से ली, इंडिया से कहाँ से? आपके गुरु जैसे होते हैं ना, आपके कौन है आप? 1985 में मुझे बुलाया गया देवास में, ये जो इंदौर और उज्जैन के बीच में है वहाँ बुलाया गया। और वहाँ टेकरी पे जो गए थे देवास में, उसके नीचे स्वामी शिवम तीर्थ का मंदिर था, तो उसने मुझे वहाँ बुला के मुझे दीक्षा दिया। मैं स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज के समाधि के ऊपर बैठ के 4 बजे सुबह मैंने दीक्षा लिया। सूर्य ग्रहण था उस दिन भी, तो वो तो ब्रह्मचारी दीक्षा था। फिर बाद में मैं योग करते, कुंडलिनी योग करते, मैं आसना योग और वो भी आध्यात्मिक स्थिति का था। मैं गुरुजी अयंगर, बी के एस अयंगर से सीखा काफ़ी सालों को। फिर कुंडलिनी योग करके और आसना करके मेरा कुंडलिनी जागृत होने होते गई। और मुझे न्यूयॉर्क में स्वामी मंगलतीर्थ महाराज मिला, उसने उसकी आशीर्वाद लेके मैं स्वामी बना। स्वामी मंगलतीर्थ महाराज तुलसी मनस मंदिर ऋषिकेश लक्ष्मण झूला में उसका आश्रम है। आप ऐसे बताओ हमारे दर्शकों, आप अभी तक कितनी कंट्रियों में घूम चुके हो, जा चुके हो? योग सिखाते सिखाते मुझे 38-40 गांव में मैं घुमा हूँ। ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा घुमा हूँ, फिर सिर्फ योग सिखाने में मुझे 38 कंट्रीज हो गई। कंट्रियों में किसी किसी जैसा रशिया बोले तो एक कंट्री हो गया, बाल्टिक स्टेट्स, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन। कितनी कितनी देर रुकते थे आप वहाँ पे, वैसे टूरिस्ट वीजे पे, या आप थोड़ा सिखाते थे उनको फिर वापस आ जाते थे? रुके नहीं कहीं पे भी? मैं 24 साल न्यूयॉर्क में था, फिर मैं न्यूयॉर्क में नहीं रहा। तो थोड़ा 5-6 साल कैलिफोर्निया में था, संता बाबरा के पीछे ओहाई में, और लॉस एंजलिस से फ्लाइट लेके मैं गाड़ी लेके ड्राइव करके वहाँ जाता था। बाद में 6-7 साल वहाँ रहा, एक 5-6 साल सियाटल में रहा, फिर मेरा बेस न्यूयॉर्क था क्योंकि सिएटल ज़्यादा दूर रहता था यूरोप जाने के लिए, चाहे 5 घंटे 6 घंटे का फर्क है। आपको अच्छा यूरोप लगता है, यहीं पे सेटल होने का सोचा आपने? मैं यहाँ 10 साल पहले आया था, काफ़ी फर्क है अभी। वहाँ तो लोग कम ही थे उस टाइम पे, यहाँ पे फिर मुझे बहुत पसंद आ गया। और मैं बोला मैं तो पुर्तगीज सिटीजन का जन्म लिया गोवा में, मैं देशी हूँ, फिर मैं सोचा यहाँ क्यों नहीं आके रहूं। मैं अमेरिकन सिटीजनशिप लिया नहीं। और यहाँ पे तो अपने इंडियन भी बहुत काफी है, इसलिए सामने सोचा कि आपका इंटरव्यू किया जाए। इंटरव्यू तो क्या है, खाली हम जस्ट वीडियो बनाते हैं, मैं और मेरा लक्की भाई दोनों मिलके। तो लक्की भाई बोलते हैं चलो उनके बारे में बताना लोगों को, किसी को जहाँ के पता नहीं है पुर्तगाल में, तो इतने पहुँचे हुए चलो उनका पूछते हैं उनके बारे में, वो कुछ ना कुछ बताएं कि क्या पता किसी को ज़रूरत हो, उनकी जोक सीखना हो, कुछ हो। तो इसलिए हमने सोचा चलो छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं, तो इस वजह से हमने आपकी वीडियो बनाई। तो हाँ जी स्वामी जी, सानू ये दसो अपन योग दे की बेनीफिट्स ने, तो जिन्हें साढ़े जिन्हों तक ये वीडियो जानी है उन्होंने ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ, ਤੁਹਾਡੀ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਿਸ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯੋਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਯੋਗ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯੋਗ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए पूछा है। हाँ, क्यों, जब हम योग कहते हैं तो आजकल की दुनिया में योग का मतलब आसना होते हैं, बोले तो कसरत, एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है जिसको हम योग कहते हैं वो सिर्फ तीसरा भाग है योग का। हाँ, वो आसना जो बोलते हैं ना, जो आसन पे बैठते हैं, जो जिस पे बैठते हो उसको आसन कहते हैं हम, तो उसकी सबसे आसन आ गया। क्यों, पहले तो योगी लोग ध्यान में बैठते थे आसन के ऊपर, बाद में मुड़ने लगे, स्ट्रेच करने लगे, तो उसके हिसाब से आसना बन गया। तड़ासन, शीर्षासन, ये सब आसन के ऊपर करते थे। फिर ये तो योग नहीं है, ये योग का एक प्रकार है। अच्छा, वो आसन करने के पहले दो कदम पैरी, जो दो पैरी जो है उस पे बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा ध्यान दें, ये है यम और नियम। मैं प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाता हूँ, मैं किचन में बैठ के संडास में बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो प्रिपरेशन होता है, तैयारी होती है, वो तैयारी यम और नियम से होती है, बाद में आपने आसन करना पड़ता है। लोग तो डायरेक्ट आसन करने जाते हैं और वो जो शक्ति है वो बिगड़ जाती है। इसीलिए तो फर्क होता है ना स्वामी और हम, जैसों में हम सीधा लगते हैं जो करके देखा यूट्यूब से, ये देखा तो वो देखा। सीधा करोगे तो ये कसरत के प्रकार है, वो कसरत होता है। फिर आपको ठीक से आध्यात्मिक भावना से आपको अगर ये ही कसरत करना है तो आपको पहले यम नियम करके एक सही गुरु के पास जाके उसका पूरा मतलब क्या है, वो क्यों करते हैं, वो कैसा करते हैं, वो कभी करते हैं, वो सब सीखना पड़ता है। बाद में कसरत में मतलब है और उसको हम योग कहते हैं। फिर योग को आठ भाग है, पतंजलि उसको अष्टंग योगा कहते हैं, अष्ट बोले तो आठ। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आखिरी तीन भाग जो है वो आंतरिक दर्शन है। बाकी के जो पांच भाग हैं वो बाहर से कर सकते हैं शिक्षक बन के। फिर आंतरिक जो दर्शन है वो सिर्फ स्वयं कर सकते हो और उसको हम संयामक कहते हैं, संयामक कहते हैं। ओके, तो ये पूरा योग है। ओके, तो पतंजलि योग सूत्र में क्या कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। बोले तो चित्त क्या है, चित्त मनस बुद्धि अहंकार है। पहले तो सिर्फ सूत्र होते थे, एक सूत्र को आप पांच किताब लिख सकते हो। तो ये जो है, एक मिनट देना मुझे, योग चित्त वृत्ति निरोधा बोले तो ये जो चित्त जो है उसका वृत्ति, वृत्ति क्या होता है, तूफान तूफान, ये वृत्ति को निरोध करना, बोले तो उसको कम करना, उसको बहुत शांत करना, उसको योग कहते हैं। तो यहाँ आजकल वो कोई जानते नहीं, इसलिए तो आपके पास आए हैं लोगों को बताएंगे। आप यहाँ योग बोले तो आसना है, एक्सरसाइज, सर के ऊपर खड़ा रहेगा तो हम अच्छा योग करते हो। योग ये नहीं है, ये चीज नहीं है, योग ज्यादा है, बहुत कुछ है। और उसमें आप निर्वाण शक्तम सुनेगा तो उसमें भी बोलते हैं ना कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, पहली पहला सूत्र जो है उसमें, पहला लाइन जो है वो उसके बारे में बोलते हैं। पतंजलि का सैल्यूटेशन जब गाते हैं आप लोग ना, तो उसमें भी योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, तो ये क्या है, ये चित्त के बारे में, जब आप ये चित्त को शांत करने जाते हो तभी उसको योग कहते हैं। फिर ऐसा सिखाने वाले बहुत कम हैं और वो सीखने के लिए ये एक दिन, एक साल, एक महीना, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी साल भरे, जन्म जन्म क्षेत्र में आप तो सीखते रहते हैं। शिक्षा तो ऐसी है, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, बस यही होता है। यहाँ आजकल दो दिन जाके सर्टिफिकेट लेके योगा टीचर बनते, तो मुझे कभी योगा टीचर बोलेगा तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्यों, योगा टीचर तो सर्टिफिकेट से नहीं बनता है, योगा टीचर दो दिन से नहीं बनता है, जिंदगी जिंदगी पे और पुनम जीवन में आपने शिक्षण किया है वो भी इस जन्म में आपका कंटिन्यू हो जाएगी। हमारे स्वामी जी योगा भी करते है, करवाते भी है, हम इसके बारे में नेक्स्ट भी एक वीडियो बनाएंगे, करके दिखाएंगे थोड़ा। अच्छा। इनकी 75 एज हो गई है, लेकिन देखो नहीं, फिर नहीं, भी 65, इनकी 65
एज हो गई है लेकिन फिर भी अभी फिट है, तंदुरुस्त है, लेकिन थोड़ा बीच में बीमार भी हो गए थे, फिर भी देखो रिकवर किया अपने आप को। तो मैं वैक्सीनेशन लेने के बाद मुझे 3 स्ट्रोक हो गया। पहला स्ट्रोक में मेरा राइट लेफ्ट पैरालाइज हो गया, दूसरे स्ट्रोक में दो नीचे और पूरा लेफ्ट साइड पे पैरालाइज हो गया, और तीसरा स्ट्रोक जब मुझे दिसंबर 10 तारीख पे हुआ, वो 30 घंटे में कोमा में पड़ा था बेडरूम में, वो वैक्सीनेशन का रिएक्शन था कोविड कोरोना। फिर भी आपने अपने जोक के वजह से आपने अपने कोमा में था, कोमा में था 30 घंटे, मुझे वो लोग खिड़की फोड़ के तोड़ के मुझे अंदर आके ले लिया हॉस्पिटल में, 5 दिन में मैं चलने लगा। यही तो योग का चमत्कार है, होता है ना, यही तो चमत्कार है ना, अपने हाथ में नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं एक लकड़ी को यहाँ से वहां नहीं हिला सकता हूँ, एक पत्थर को नहीं हिला सकता हूँ। जब मुझे ये पता चलता है, जब ये मेरे होश में आता है, तभी योग बनता है। तो आजकल के गुरु लोग जो हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, हजारों लोगों के शिक्षण देते हैं, वो लाइफ कोच हैं, वो योगी नहीं है। योगी लोगों से भागता है, ईसाई धर्म में भी ईसा भागता था, जीसस जो है वो लोगों से दूर रहता था, लोग उसके पीछे पीछे करते हैं, कि सही योग में लोग से दूर रहते हैं। इसलिए तो हम अपने पहाड़ों में जाके जो करते तप करते हो, शांत रहना चाहते, ये नहीं कि लोगों को बैठाओ, 4-5 आके बैठाओ करो, ये सब कुछ है तो फेक है ना। बिल्कुल, चलो बिल्कुल। आपने हमें अपना समय दिया कीमती, आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद है। ठीक है जी, और अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो हमारे दर्शक होंगे, जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, किसी के मन में कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट में करें, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वही सवाल उनके आपके सामने रखेंगे। अभी तो जस्ट हमने जो पूछा वही बताया, तो अभी देखेंगे दर्शक वो भी पूछेंगे हमें। जिस हिसाब से आपने कहा और जिस बात से मैं आप लोगों को मेरा बताया मेरे बारे में, तो उस हिसाब से हम अगली बार योग कसरत नहीं करेंगे। एक कोई कमरे में एक 8-10 लोगों को कुर्सी पे बिठाना और उनको मैं शक्ति क्या है उसका अनुभव दे दूंगा बैठ के। ठीक है, बाद में उन लोगों को बताने दो क्या है। ठीक, मैं कुछ बात नहीं करेगा उसके बारे में, उन लोगों को बताने दो, टेस्टिफाई कर सकते हैं उन लोग, उनको क्या हुआ कैसा हुआ, मैं सिर्फ बैठ के कर दूंगा और कुछ नहीं। क्यों, मुझे ये फैलाना है लोगों में, ये बात बताना है लोगों को कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग कसरत से बहुत कुछ है, योग शक्ति है, शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, और ये कुंडलिनी का भाग जो है मैं लोगों को उनका अनुभव देने को तैयार हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आपके हिसाब आपके ऊपर है, एक छोटे कमरे में एक 8-10 लोगों को लाके बिठाना, कोई लोग यहाँ है तैयार है आके बैठो, अनुभव ले लो, अनुभव के से जैसे और कोई दूसरी चीज नहीं है। हम बातों में बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम बड़े बड़े पुस्तक से बता सकते हैं, फिर अनुभव देना एक बिल्कुल अलग प्रकार होता है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हाँ, और अनुभव देने के लिए पहला खुद को अनुभव होना चाहिए। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे लक्की भाई है जो कैमरामैन बने आज, वेरी लकी। चलो ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद।